हेलो गाइस, दिस इज़ एमडी3लियस एंड आई एम हेयर विथ ए ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप गूगल क्रोम पे कोई भी एक वेबसाइट में जाते हैं और उस वेबसाइट में जाने के बाद आप उस वेबसाइट को बुकमार्क करते हैं, तो आपको ये जो वेबसाइट है आपको बुकमार्क बार में दिखता है, जैसे आपको जीमेल या फिर यूट्यूब या फिर न्यूज़ दिख रहा है, तो ऐसे आपको गूगल क्रोम पे दिखते हैं। लेकिन अगर आप सेम काम फायरफॉक्स में करना चाहते हैं तो फायरफॉक्स में आपको ये बुकमार्क बार नहीं दिखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बुकमार्क्स पे जाना होता है और फिर इधर से ढूंढ के आपको उस जो वेबसाइट था आपने बुकमार्क किए थे उसमें विज़िट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम की तरह आपका जो बुकमार्क्स है और फायरफॉक्स में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तो बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें आना है और ये फोल्डर पे क्लिक करना है और इसमें बुकमार्क टूल्स बार में क्लिक करने के बाद डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये मेरा बुकमार्क दिख रहा है और ये जो बुकमार्क है ये अगर आप ब्राउज़र एग्जिट भी कर लेते हैं तो ये फिर भी रह जाता है, ये ब्राउज़र एग्जिट करने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। और आप आसानी से इससे आपका जो वेबसाइट आपने बुकमार्क करके रखा है इसे आप विज़िट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।